गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास अगेन। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ अवर नेशनल मूवमेंट इंक्रीज्ड विद टाइम, हाउ इट गेट द मोमेंटम, हाउ डिफरेंट मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, आइदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिफरेंट सत्याग्रह और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। देन आफ्टर द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है उसमें कहां समस्याएं रही, क्या प्रॉब्लम रही, किसकी वजह से इतना ज्यादा मोमेंटम प्राप्त नहीं किया। कहां तो हमारे आंदोलन ठीक बढ़ रहे थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां आई, हमने देखा अनटचेबल सेक्टर, लोअर कास्ट का जो इशू था कांग्रेस ने कभी उसको आगे नहीं बढ़ाया था क्योंकि उनको दे वर फियर्ड ऑफ द सनातनीज, कि सनातनी जो हाई कास्ट हिंदू शायद वो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा रीजन देखा था मुस्लिम्स का, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो जनरेशन थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी, उन्होंने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दे वर नॉट सर्टेन अबाउट द फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, कि बाद में भारत में, आजाद भारत में हमारा प्रतिनिधित्व कैसा होगा, उनके पास कोई एश्योरेंस नहीं थी। और खासकर कब, जब M.R. जयकर ने खुला विरोध किया मुस्लिमों के रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, जब रिजर्वेशन का विरोध कर दिया उसके बाद, तो हमारे इसकी वजह से आंदोलन ज्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाया। अब हमारे क्या है कि कोई भी आंदोलन अगर चलेगा, वी रिक्वायर्ड यूनिटी इंटीग्रेशन, कि एक तो हो। अगर हम किसी का विरोध करें, चार आदमी उसमें चारों अलग अलग दिशा में जाएंगे तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो सब मिलके करेंगे तभी तो होगा इफेक्टिव। अब इतना बड़ा देश जिसमें इतनी सारी कल्चर्स, इतनी सारे रीजन, इतनी सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, तो उसमें एक करना कैसे पॉसिबल है? तो इन सारे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, सबको ये धारणा कब दिमाग में बने कि वी ऑल आर इंडियन, कि हम सार सब भारतीय हैं और हमें मिलकर संघर्ष करना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा होगा? द फोक लोर, फोक सॉन्ग्स, जो हमारे स्थानीय गाने हैं, गीत हैं, कविताएं, डांस हैं, डांस फॉर्म है, उनके द्वारा मैसेज दिया जाए। दूसरा, हमारे एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स थोड़ी सी किसकी वजह से आई थी? एक कॉमन स्ट्रगल, कि सबने मिलकर संघर्ष किया था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो एक्सप्लोइटेटिव तो थी, हमारे खिलाफ शोषण तो कर ही रही थी, उसके खिलाफ जब संघर्ष किया सबने मिलकर किया था, तो एक तो हमारे यहाँ कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग किससे आ गई थी? उसी से आ गई थी कि हम सब के साथ एक जैसा शोषण हो रहा, हम सबके मिल के और हम सबको मिलकर उसको बाहर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, हमारे यहाँ कि समय के साथ और कुछ आइकॉन्स और सिंबल्स जनरेट किए जाएं जो हमें एक आइडेंटिटी बांधते हो, कि हमारी एक पहचान दर्शाते हो, जिसके द्वारा हम ये जोड़ पाए, यस वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू गिव प्राइड टू दैट पार्टिकुलर आइकॉन और सिंबल, उस प्रतीक को हम सम्मान के तौर पर मान लें। अब इनकी शुरुआत किस प्रकार हुई? जैसे मैंने बताया, फोक लोर, फोक सॉन्ग, फोक डांस, इनको आगे बढ़ाया जाए, हमारी स्थानीय संस्कृति उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसके द्वारा एक नेशनल बिलोंगिंग की भावना हमें, राष्ट्रवाद की भावना हमें बांधा जा सके। सबसे पहले शुरुआत हुई हमारे यहाँ, एक पिक्चर बनाई गई भारत माता। इससे पहले नेशनलिज्म यूरोप पढ़ा था हमने, उसमें क्या देखा था हमने, इसी प्रकार वहां भी दो फीमेल फिगर बनाई गई थी, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया और फ्रांस के अंदर मैरियाने। यहां भी क्या किया गया, हमने उसी प्रकार इंस्पायर होते हुए उन सारी एक्टिविटीज से हमारे यहां भी एक नई फीमेल फिगर बनाई, विच कैन रिप्रेजेंट द होल इंडिया, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हो, सब उसमें भारत माता के तौर पर, यानी एक पहचान के तौर पर देखते हो, देश की एक पहचान के तौर पर, तो भारत माता का एक चित्र एक बनाया गया, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा बनाया गया पहली बार इमेज। उसके बाद उन्होंने 1870s में एक सॉन्ग, हाई भजन या गाना बनाया, वंदे मातरम, वो भी किसके लिए? हमारे भारत के लिए, हमारी भारत माता को प्राइड के तौर पर, कि जहां भी जिस प्रकार विरोध, उसमें इसको गाया गया कि हमें बात के ऊपर गर्व है, उसके लिए वंदे मातरम 1870s में। और उसके बाद इन्होंने जहां भी स्वदेशी मूवमेंट हुए बंगाल में, इसको बार बार दोहराया गया, वंदे मातरम ये जो सॉन्ग था, इसको जहां भी जब भी स्वदेशी मूवमेंट चले बंगाल में, कि हमारे खुद के देश के लिए आंदोलन चले, उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। और उसके बाद आनंद मठ जो नॉवल था बंकिम चंद्र का, उसके अंदर इसको शामिल कर दिया गया, यानी आनंद मठ में का पार्ट बन गया वंदे मातरम। अब इसके बाद एक नई पेंटिंग, इस स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर एक नई पेंटिंग बनाएगी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसकी? भारत माता की। भारत माता की नई पेंटिंग बनाएगी, जिसके अंदर उसको किस प्रकार दिखाया? एसेटिक, एक साध्वी के तौर पर, जैसे हमारे साधु सन्यासी हैं, काम बिल्कुल शांत कंपोज्ड, एक ही आप देखोगे जिस प्रकार की स्थिति बना देगी उसी में बिल्कुल स्थिर। उसके बाद डिवाइन, एक दैवीय रूप, जिस प्रकार हम देवी या भगवान का रूप मानते, आशीर्वाद देते समय उस प्रकार का, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अच्छा ज्ञान, उसके तौर पर एक पिक्चर दिखाएगी भारत माता की। किसने बनाई है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन समय के साथ और आर्टिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई। आजकल आप जैसे भारत माता की पिक्चर देखते हो, उसमें क्या देखते हो हम? ए टाइगर,
शेर के साथ, यानी जो हमें ब्रेवरी बहादुरी लीडरशिप की तरह दिखाती हो, लेकिन उस टाइम पर ये बिल्कुल साध्वी के तौर पर पहली जो पेंटिंग बनाई गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, पहली अगर पिक्चर की बात पे भारत माता किसी ने पोर्ट्रेट की थी हमारे यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उसके बाद जो पेंटिंग बनाई गई स्वदेशी आंदोलन में वो बनाई गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसको बिल्कुल शांत एक साध्वी के तौर पर एक सामान्य जो गुण थे हमारे उनको दिखाया गया। उसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया, एक पिक्चर और दिखा रखी जिसमें मैंने बताया कि एलिफेंट और लॉयन दोनों दिखा रखे भारत माता के साथ, जो कि हमें ब्रेवरी बहादुरी और हमारी पावर को दर्शाता है। तो समय के साथ और आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब उसके बाद दूसरा, ये तो भारत माता की पिक्चर जिसके द्वारा हमें एक करने का एक मैसेज दिया गया कि इसके लिए हम सारे वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द आवर ओन कंट्री, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय भारत माता। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो जगह जगह घूम घूम के फोक लोर, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, उनको इकट्ठा किया गया, स्थानीय कहानियां, जिससे हमारे यहाँ क्या है सब सारी इकट्ठी करके लोगों को बताया जाए किस प्रकार का हमारा इतिहास रहा, किस प्रकार की कहानियां, किस प्रकार की हमारी वास्तविक संस्कृति है, जिसके द्वारा एकता का भाव पैदा किया जा सके। इसके लिए बंगाल के अंदर तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ने बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर ने घूम घूम के इस तरह की कहानियां इकट्ठी की लोगों को बताने के लिए किस प्रकार का हमारा पुराना इतिहास रहा है। और कुछ कहानियां किसी इकट्ठी की जब बार्ड्स, बार्ड्स क्या था, पहले राजाओं के दरबार में लोग इधर उधर घूम घूम के जो गाने बजाने का काम करते, अलग अलग कहानियां सुनाते थे, उनसे भी इकट्ठी की गई। और यही काम बंगाल में तो किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और साउथ दक्षिण भारत में किया गया नतेशा शास्त्री के द्वारा। नतेशा शास्त्री ने यह काम किया और नतेशा शास्त्री ने इसको नाम दिया एक बड़ी 4 वॉल्यूम, इतनी सारी इन्होंने वहां की स्थानीय कहानियां इकट्ठी की तमिल भाषा में, जिसका नाम दिया गया था फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया, की दक्षिण भारत की स्थानीय कहानियां, हमारी संस्कृति को इंपोर्टेंस देने के लिए, हमारे पुराने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारे नेशनलिज्म का भाव पैदा हो। अब उसके बाद एक और पहचान, जैसे हमारा पहले भारत माता की पिक्चर बनाई गई, फिर हमारे फोकलोर फोक सॉन्ग सुन को आगे बढ़ाया गया, फिर हमारे पास फ्लैग, जो आज हम कहीं भी जाते हैं अगर कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं भारत को तो इंडियन फ्लैग के द्वारा, और राष्ट्रगान जो हमारा नेशनल एंथम है उसके द्वारा। तो फ्लैग ये पहली बार स्वदेशी मूवमेंट थे उनके दौरान भारत में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया फ्लैग का भारत के लिए, ट्राई कलर तिरंगा झंडा। लेकिन उस टाइम पर तो तिरंगा झंडा था उसमें कौन कौन से कलर थे हमारे पास, रेड ग्रीन येलो, ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो फ्लैग इस्तेमाल किया गया। और ये जो पहला जो हमारे पास फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल के अंदर, उसमें 8 लोटस, उसके अंदर 8 कमल के फूल दिखाए गए थे, विच रिप्रेजेंट 8 प्रोविंसेस डिवाइडेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारे भारत में 8 अलग अलग प्रांत बनाए थे अंग्रेजों ने शासन को आसान बनाने के लिए। वो 8 प्रांत किसे दिखाए गए, 8 कमल के फूल से। एंड क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून आप देखते हो इस प्रकार की शेप में, ये हमारे पास चंद्रमा, तो इसको दिखाया गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर, कि हिंदू मुस्लिम यानी हमारे इसको रिप्रेजेंट करता, दोनों रिलीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहला जो फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर, उसमें क्या था, रेड ग्रीन और येलो कलर में बनाया गया, उसके बीच में 8 लोटसेस वर देयर एंड ए क्रिसेंट मून वाज देयर। अब उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने एक स्वराज फ्लैग, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 3 नंबर में, कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग, तो उसमें स्वराज फ्लैग 1921 में गांधी जी ने बनाया, इसमें क्या था कलर एक चेंज हो गया, रेड और ग्रीन तो एज इट इज रखे गए, येलो की जगह व्हाइट कर दिया गया, जो स्वराज फ्लैग गांधी जी ने बनाया। इसमें क्या था, पहले वाले में 8 लोटस थे, यहां बीच में एक चरखा स्पिनिंग व्हील, जो गांधी जी किसके लिए रिप्रेजेंट करते थे, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए, यानी खुद का काम खुद चला पाए उसको रिप्रेजेंट करने वाला था ये। तो इस प्रकार इसे ये पूछा जाता है व्हाट रिप्रेजेंटेड बाई द स्पिनिंग व्हील, और पहले वाले का पूछा सकता है व्हाट रिप्रेजेंट 8 लोटसेस, तो 1 नंबर के अनुसार इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 8 लोटस थे पहले वाले फ्लैग में, वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, क्रिसेंट मून किसको रिप्रेजेंट करता था, स्पिनिंग व्हील किसको रिप्रेजेंट करता था, और 1920 में स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया था, महात्मा गांधी ने। तो इसे इनकी फीचर्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें सेल्फ लाइंस को दर्शाता था चरखा या स्पिनिंग व्हील। अब उसके बाद एक और तरीका अपनाया गया, क्यों ना हमारे इतिहास को दोबारा दोहराया जाए, दोबारा लोगों को बताया जाए जो हमारा सफलतम इतिहास रहा है, चाहे वो साइंस की बात करें चाहे मैथ्स की बात करें। जैसे हमने 0 दिया मेरे भारत ने, आपने मनोज कुमार की फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो बहुत बारे सॉन्ग सुनते हैं, तो हमने जो जो उपलब्धियां हासिल की थी चाहे किसी भी क्षेत्र में की थी, उन सबको दोबारा लोगों तक बताया गया हमारे, क्योंकि अंग्रेज तो क्या मानते थे, बैकवर्ड सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी
वॉज बैकवर्ड सोसाइटी, हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू रूल अवर सेल्फ, हमारे ऊपर शासन करने में सक्षम नहीं है, हमारा कोई ज्यादा अच्छा इतिहास भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रीइंटरप्रिटेशन की गई, रीइंटरप्रिटेशन यानी दोबारा उनकी व्याख्या की गई हमारे इतिहास की, जो जो उपलब्धियां हमारी थी उन सबको वापिस लोगों को बताया गया ताकि हमें अपने ऊपर गर्व महसूस हो और हम मिलकर इन साधनों को अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ा पाए। तो ये हमारे यहाँ था कि किस प्रकार सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की सब लोगों को एकता का भाव उत्पन्न किया जाए देश में राष्ट्रवाद के लिए, तो उसमें कौन कौन से तरीके अपनाए गए। पहले एक भारत माता की पिक्चर बनाई गई जिससे हमें रिप्रेजेंट किया गया, उसके बाद एक सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, उसके बाद हमारे पास एक और पेंटिंग बनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की, उसके बाद हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर और नटेश्वर शास्त्री ने फोक लोर्स को इकट्ठा किया, फोक टेल्स को इकट्ठा किया ताकि हमें बताया जाए हमारी संस्कृति किस प्रकार की रही है, उसके बाद एक फ्लैग बनाया गया और अल्टीमेटली हमारा जो पुराना इतिहास था, हमारे जो पुराने हीरो रहे थे, लीजेंड थे, जो हमारे पास जैसे शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष रहे उनके बारे में वापस दोहराया गया, कितने किस भूमि से, किस त्याग और बलिदान की भूमि से हम बिलोंग करते हैं और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम डिफाई द ब्रिटिशर्स की उनका विरोध कर सकते हैं, इसके लिए हमारे वापस पुराने इतिहास को दोहराया गया। तो ये था हमारे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए हमने क्या कुछ किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू कंक्लूड द होल लेसन कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, उसका पूरा सारांश क्या है, देन आफ्टर इट्स कंप्लीट, ये हमारा लेसन कंप्लीट। तो उसके बाद हिस्ट्री का इस साल के लिए सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी रिड्यूस कर दिया गया, ओनली टू लेसन आर देयर इन टेंथ, केवल दो ही लेसन है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट द और कंक्लूड द होल सिलेबस फॉर बोर्ड क्लास। Thank you and have a nice day.